हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट टुडे वी विल डिस्कस क्लास ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स हमारा जो सीरीज़ चल रही है चैप्टर की फाइव ईयर प्लान्स इन इंडिया गोल्स एंड अचीवमेंट्स हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे तो देखते हैं चलो आज क्या करते हैं बेटा हमने इस चैप्टर में हम गोल्स की बात कर रहे हैं कि गोल्स हमारे प्लान्स के क्या गोल्स हैं लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ग लॉन्ग पीरियड गोल्स हमने डिस्कस कर चुके हैं अब हम शॉर्ट पीरियड गोल्स जिनको हम ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं प्लान्स के वो डिस्कस करेंगे तो ये देखो जो हमारे आ, ये शॉर्ट पीरियड गोल्स या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं प्लानिंग के आ, वो क्या है फर्स्ट है हायर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अभी देखो फाइव ईयर प्लान्स में हमारा जो हमने पहले लॉन्ग टर्म लॉन्ग पीरियड गोल्स में हमने डिस्कस किया था के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है सेल्फ सफिशेंसी गेन करनी है तो उसके लिए हमारा जो हमारे प्लान्स भी बने उसी अकॉर्डिंगली बने वो क्यों ऐसा बना क्योंकि जब फर्स्ट फाइव ईयर प्लान बना था उस टाइम इंडिया में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स की वो मतलब इंडिया वॉज़ फाइटिंग अगेंस्ट स्वेयर या यू कैन शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स तो इंडिया हार्ड टू डिपेंड अपॉन द अदर कंट्रीज़ फॉर द फूड ग्रीन्स तो उनको डिपेंड करना पड़ता था तो इसलिए हमारे जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान था उसने ज़्यादा जो हमारा 1951 से 1956 तक चला फर्स्ट अप्रैल 1951 से थर्टी फर्स्ट मार्च 1956 तक चला उस पीरियड में फर्स्ट प्लान पीरियड के पीरियड में हमारी बेसिकली यही टारगेट था कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को किया जाए तो स्टेप्स भी वैसे ही लिए गए कि हम अपना थोड़ा सा इंडिया में जो हमारी इंडिजीनियस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ करो वो इंक्रीज करके ताकि हम अपने पॉपुलेशन को अपने आप फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कर सकें सो so, ये हमारा इनिशियल स्टेप उस टाइम रख दिया गया था ले लिया गया था सो डैट प्रोडक्शन को बूस्ट किया जाए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए ठीक है तो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में बेसिकली हमारी फोकस यही था और शॉर्ट टर्म हमारा प्लान भी उसके अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली था तो अब आगे बात आती है इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो हमारा सेकेंड प्लान पीरियड था वो था हमारा फर्स्ट अप्रैल 1956 56 में खत्म होता था, थर्टी फर्स्ट मार्च 1956 को फर्स्ट जब खत्म हो गया तो सेकेंड फाइव ईयर प्लान जब बना फर्स्ट अप्रैल नाइन से 31 मार्च 1961 उसमें बेसिकली हमारा यही गोल था आ, जो फाइव ईयर प्लान्स में कि हम अपनी अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या था स्टेप हमने लेना शुरू कर दिया था कि उसको इंक्रीज किया जाए तो इकॉनॉमी को ग्रो भी करना था इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी जो हमारी स्टेग्नेट एंड बैकवर्ड इकॉनॉमी बनी हुई थी क्योंकि एग्रीकल्चरल के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती थी पॉपुलेशन nearly 72 percent of the population was depending upon the agriculture as a source of livelihood. So, uh, and that uh, sector was uh, stagnant and backward sector. So, to increase the economy uh, GDP, to boost the economy, increase its growth, economic growth, uh, agricultural production, emphasis were laid on agricultural production. एज वेल एज ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सो इन द सेकेंड फाइव ईयर प्लान मेजर स्टेप्स वर टेकन टू इंक्रीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सो फॉर दिस टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इन बूस्ट द हैवी इंडस्ट्रीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज बिकॉज अर्यर ब्रिटिशर्स ने तो जो था यहाँ से सारी इंडस्ट्रीज हमारी कोलाप्स ही करती थी ना हैवी इंडस्ट्रीज तो थी नहीं वो सारा हम ब्रिटेन के ऊपर डिपेंड करते थे कि हमारे पास वहाँ से गुड्स आएंगे सो so, यहाँ की जो छोटी मोटी जो थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वगैरह वो भी सारी इन्होंने खराब कर दी थी सो स्टेप्स वर टेकन इन द सेकिन प्लान टू इंक्री टू डेवलप हैवी इंडस्ट्रीज सो एज टू बूस्ट द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था ठीक है देन नेक्स्ट स्टेप इज सेल्फ सफिशंसी इन फूड ग्रेन्स जो हमारा थर्ड प्लान था थर्ड प्लान में जो हमारा फर्स्ट अप्रैल 1961 से थर्टी फर्स्ट मार्च 1966 तक चला उस प्लान में बेसिकली हमारे स्टेप्स ऐसे ही लिए गए थे कि हम अपने फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए सेल्फ सफिशेंट हो जाए सेल्फ सफिशेंसी हो जाए तो हम वी नीड नॉट टू डिपेंड ऑन द अदर कंट्रीज टू फॉर फूड ग्रेन्स मतलब हम और नेशंस के ऊपर डिपेंड बहुत ज़्यादा थे उस टाइम स्टेप्स लिए गए थे पूरा सेल्फ सफिशंसी हुई नहीं थी बट स्टेप्स लिए गए थे कि हम सेल्फ सफिशेंट हो जाएं फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को इतना बूस्ट करके तो और इस केस में देखो जब फूड ग्रेन की प्रोडक्शन इंडिजीनियस ज़्यादा होएगी तो स्टेप्स तो उसके लिए भी लिए जाएंगे उसके कारण आपकी प्राइस स्टेबलिटी भी होएगी आपकी जब आ, आ, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज होंगी जनरेशन होगी ये भी इसमें के लिए आ गया था स्टेप और एक जब आपकी इम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा होगी और आपकी प्राइस स्टेबलिटी होएगी मैन पावर की यूटिलाइजेशन प्रॉपर होगी तो उस केस में आपकी रिडक्शन इन इनक्वालिटी भी आपकी होगी ठीक है तो ये मैंने आपका फोर्थ पॉइंट प्राइस स्टेबिलिटी एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर ये भी इसके बीच में डिस्कस कर दिया क्योंकि उसमें जो आपकी आ, जब आपकी प्रोडक्शन आपकी ज़्यादा शुरू हो गई थी हमारे इंडिया में तो उसके कारण ये नाइन्थ प्लान में ये ऑब्जेक्टिव भी था इकोनॉमी की ग्रोथ भी की जाए प्राइस भी स्टेबल किया जाए और एक इन्वायरमेंट भी अच्छा बना दिया जाए ताकि हमारी इकोनॉमी अच्छे से ग्रो करे सो प्राइस स्टेबिलिटी और फुल यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर ये भी स्टेप हमारे फाइव ईयर प्लान्स में लिए गए देन स्टेप इज नेक्स्ट इज टू रिड्यूज पावर्टी रिमूवल ऑफ पावर्टी बेसिकली सिक्स प्लान पीरियड में जो फर्स्ट अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक चला था उस केस उस प्लान में बेसिकली यही हुआ था कि हमारी जो पावर्टी को स्टेप्स लिया जाए ताकि पावर्टी को रिमूव किया जाए पावर्टी को रिमूव किया जाए तो इनकवालिटी भी रिड्यूस होगी और ये वो कैसे हो सकती थी इसलिए उन्होंने क्या किया था पावर्टी को रिड्यूस करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की थी जब इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस आपकी इकॉनमी में आएंगी तो आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने के साथ आपकी पावर्टी भी रिड्यूस होगी क्योंकि लिटरेसी लेवल भी बढ़ेगा लिटरेसी लेवल भी बढ़ेगा और बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक मेडिकल फैसिलिटीज एंड ऑल सब कुछ आपकी मिलेगी ये सारी चीज़ें जब आपको मिलेंगी तो आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी ज़्यादा होगी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपकी बढ़ेंगी और उसके साथ आपकी पॉवर्टी जो है आपकी रिड्यूज़ होगी क्योंकि बिकॉज जितने ज़्यादा आपकी इकॉनमी में अर्निंग हैंड्स होंगे उतने ज़्यादा हमारी मनी की सर्कुलेशन होगी पावर्टी रिड्यूज़ होगी ठीक है देन प्राइस स्टेबिलिटी मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस किया कि प्राइस स्टेबिलिटी जो है वो हमारा फोर्थ प्लान में बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिए गए थे कि प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज अप डाउन ना हो स्टेबल रहें देकम्स नाइन्थ प्लान में बहुत स्टेप्स लिए गए थे इन्वायरमेंट को अच्छा सस्टेनेबल इन्वायरमेंट दिया जाए इकोनॉमी में लिविंग पॉपुलेशन को सो डैट दे शुड ग्रो इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट देन कम्स बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटा ये ना सारे के सारे आपके जितने अभी तक बारह प्लान हुए हैं बारह के बारह प्लान्स में यही बात चल रही हर प्लान का बेसिक फोकस यही चला था कि आपकी अब जो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छी होनी चाहिए अभी आपका थर्टीन प्लान चल रहा है इस प्लान पीरियड में यही बात हो रही है यही हो रहा है कि हर एक में हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ ऐसी होनी चाहिए कि सार जो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ शुड इम्प्रूव डे बाय डे अगर आप देखो आज की डेट में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल है और जो आपकी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस थी उस टाइम में और इस आज के टाइम में देर इज़ अ सी चेंज द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल हैज़ इम्प्रूव्ड नाउ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज़ इम्प्रूवड अब लोगों के पास सारी बेसिक फैसिलिटीज़ मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के पास है हाँ जो अभी क्योंकि गैप ज़्यादा है रिच एंड पुअर के बीच में बट विद द द विद कमिंग टाइम गवर्नमेंट विल टेक मोर सच स्टेप्स टू रिड्यूस द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर सो डेट देश बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल द पीपल जो रिमोट एरियाज में रह रहे हैं उनकी भी जो लाइफ है वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी होनी चाहिए बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए सो गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स इन दिस रिकार्ड ठीक है बेटा दिस इज ऑल अबाउट टू डेज वीडियो इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव यूर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग